हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घी और बताऊंगी कि आखिरकार घी बनता कैसे है, बटर कैसे बनता है और हाँ, छाछ या मट्ठा कहें वो कैसे बनता है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं और मिल्क से ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ये सब मैं बताऊंगी इस वीडियो में। और हाँ, स्टार्ट से एंड तक मेरा पूरा वीडियो देखें, मैं बीच बीच में आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप नेचुरल शुद्ध घी इजली बना सकते हैं। दूध से हम घी कैसे बनाते हैं, तो चलिए फटाफट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 लीटर दूध लिया है और उसे बड़े बाउल में डाला है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मट्ठा डाला है और जमाने के लिए रात में रख दिया है, पूरी रात के लिए। ये देखिए हमारा जमकर रेडी हो गया है। और हाँ, दूध हमें लेना है फुल क्रीम वाला, अगर उसमें क्रीम नहीं होगी तो हमारा घी उसमें नहीं निकलेगा। और ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा दही जमकर रेडी हुआ है। और हाँ, अगर चाहें तो दही ऐसे भी खा सकते हैं, ये दही बनकर रेडी हो गया है। तो हुआ ना, दही भी बन गया दूध से। और हाँ, दूध हम कच्चा ही इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम घी बनाएं कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। और अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से, गांव वाला स्टाइल से, हम एक बड़े से बर्तन में यानी मटके में, हमारे यहाँ स्टील का है, आपके यहाँ मिट्टी का हो तो कोई नहीं, उसमें हम इसे डालेंगे। और मथानी, इसे मथानी कहते हैं, इलेक्ट्रिक मथानी है। पहले क्या होता था, हाथ से मथा जाता था, हाथ की मथानी होती थी, अब ये इलेक्ट्रिक आने लगी है, इससे हम मथेंगे। और लाइट से मथना है, आधा घंटे, 30 मिनट 40 मिनट लगता है, बीच में आप एक दो बार चेक कर लें। ये देखिए अच्छे से मथ जाएगा और हमारा मक्खन और हमारा मट्ठा दोनों अलग हो जाएंगे। ये देखिए 30 मिनट 40 मिनट हो गए हैं, इसमें देखिए चिपक के आ गया है ना, ये मक्खन, बिल्कुल शुद्ध मक्खन। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पराठे के संग, ब्रेड के संग, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम क्या करेंगे, इस मक्खन को यानी बटर को अलग करेंगे मट्ठे से। तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, तो हमें आइस वाटर डालना है, आइस का, समझ रहे ना, बर्फ़ वाला पानी, तो हम वो डालेंगे, जिससे क्या होगा ना, ये सेपरेट हो जाएगा हमारा ये बटर, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि इसी में पिघला रहेगा और इजली हाथ में नहीं आएगा। तो हमने ठंडा पानी, चिल्ड पानी डाला है और ये देखिए हाथ में अलग आ गया है बिल्कुल से, और ये बिल्कुल पिघल नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है, क्योंकि ठंडा है अच्छे से। और इसे हम धीरे धीरे करके सारा मक्खन निकाल लेंगे और ये चाहे तो आप यूं ही खाएं। ये देखिए हमारा सारा मक्खन निकल आया है और अब हम क्या करेंगे, और हाँ, ये देखिए मट्ठा भी हमारा निकल गया है और मक्खन भी हमारा, अब इसका हम घी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट बिल्कुल शुद्ध घी, ओरिजिनल मेथड से घी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे, मेरे घर में हमेशा बनता है, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो ये देखिए हम इस पे क्या कर रहे हैं कि सारा मक्खन डाल रहे हैं, और देखिए बाहर रखा रहा था ना ये 15 मिनट के लिए ये मक्खन, तो इतनी गर्मी है कि ये पिघल गया ऐसा। और इसे हम गैस पे एक कढ़ाई पे चढ़ा देंगे और इसे धीरे धीरे चलाएंगे और देखते रहेंगे। देखिए साइड में भी हमारे घी बन रहा है और यहाँ अगेन भी घी बन रहा है, मेरे घर में काफ़ी घी बनता है। तो ये लीजिए, हम इसे इस तरीके से बनाएंगे और कंटिन्यू चलाएंगे जिससे ये नीचे लगे नहीं, बहुत ही फटाफट बन जाता है। ये लीजिए, और ये अभी ऐसा दिख रहा है, फटाफटा लग रहा है और ऐसे कि मतलब घी नहीं बना है, ये भी बिल्कुल मिक्स है। और जब ये घी बन जाएगा फ्रेंड्स, तो ये नीचे अलग हो जाएगा, एक लेयर सी आ जाएगी नीचे, थोड़ा सा काला काला हो जाएगा और घी बिल्कुल छोड़ देगा, घी बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऐसा दिखेगा बिल्कुल कि आप उसमें बिल्कुल पारदर्शी देख सकते हैं, मतलब आप घी के नीचे ये देख सकते हैं कि इसमें कढ़ाई के नीचे क्या है, इतना क्लीन हो जाएगा। देखिए साइड में हमारे घी बन रहा है, वो देखिए बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल फुल स्टेज पे है बनने के, बिल्कुल बन ही चुका है। ये भी मीडियम स्टेज पे है, मतलब अभी बन रहा है, वो देखिए पक गया है ना बगल वाला घी। और ये भी इसी तरीके से धीरे धीरे करके बन जाएगा, ये लीजिए बहुत ही अच्छे से बनता, इतनी खुशबू इसमें, इतनी खुशबू, इतना स्वादिष्ट होता है ना घर का घी फ्रेंड्स, घर के घी की तो बात ही अलग होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इस तरीके से फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप मलाई से भी घी बना सकते हैं, मलाई को आप स्टोर करते जाएं, फ्रिज में स्टोर करते जाएं, जब ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरीके से ये घी बना लें। ये लीजिए लगभग हमारा घी बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप घी बनाते हैं तो आपको नेचुरल घी मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, बिना मिलावट वाला घी मिलेगा और मार्केट से ख़रीदने की टेंशन भी नहीं होगी कि पता नहीं वो घी कैसा होगा। ये लीजिए
घी हमारा बनकर रेडी हो गया है। नीचे वो रेड रेड सा हो गया है, नीचे इसका हम कह सकते हैं ना जो भी मट्ठा या दही वो थोड़ा सा जल जाता है। और ये देखिए हो गया ना, मैं दिखा रही हूँ ऐसे करके, ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। ऊपर इतना ज़्यादा झाग है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, ये देखिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से ये आना चाहिए। और हाँ, प्लास्टिक की छन्नी से कभी मत छाने घी, वरना वो उसी पे चिपक जाएगी। ये मेरी प्लास्टिक की छन्नी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे एक बॉक्स में। ये लीजिए घी हमारा बनकर रेडी हो गया है। कितना सिंपल है, कितना आसान है, जब भी चाहें आप इसे ईजिली घर पर बना सकते हैं। पर आपका दूध होना चाहिए फुल क्रीम वाला, तभी घी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। है ना कितना आसान और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, एकदम नेचुरल है। असलियत में घी ऐसे ही बनता है, जो ओरिजिनल चीज़ें बनाई जाती ना वो ऐसे ही बनता है। मैं बचपन से देखती आई हूँ, मेरे यहाँ घी इसी तरीके से बनता है। मेरे यहाँ क्या, हर जगह घी ऐसे ही बनता है। और ये देखिए नीचे इस तरीके से ये काला काला सा हो जाएगा, जला जला सा, तो उसके आप फिक्र मत करें। ये जो नीचे रह जाता है ना, इसको आप निकाल के रख सकते हैं। इससे क्या करें, आप पराठे का आटा या रोटी का आटा थोड़ा थोड़ा एक आध चम्मच डाल डाल के आप गूंथें, उसमें भी उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। रोटी पराठा मतलब जो भी बनाना चाहें आप एक चम्मच डाल दें, इतनी स्वादिष्ट बनती है ना चपाती पराठा कि यकीन मानिए, तो वो भी वेस्ट नहीं होगा। और ये देखिए हमारा घी बनकर रेडी हो गया है, फटाफट ये लीजिए। तो यदि मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।